चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर प्रयागराज से है। गंगा में 5 युवकों की तलाश जारी है। 13 घंटे से 5 युवकों की तलाश जारी है। पुलिस के गोताखोर एसडीआरएफ की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। रात के अंधेरे की वजह से ऑपरेशन को बीच में रोकना पड़ा। रात करीब 8:30 बजे गंगा में स्नान करने गए 9 युवक पानी में डूब गए थे। जल पुलिस और स्थानीय गोताखोरों ने 4 युवक को सकुशल बचा लिया, लेकिन 5 युवक की तलाश अभी भी जारी है। जिस वक्त वो स्नान कर रहे थे उस दौरान तेज आंधी आ गई और यह हादसा हुआ और 9 युवक गंगा नहाने के लिए गए थे। रात का वक्त था, लेकिन यहां पर जल पुलिस और लोगों की मुस्तैदी से 4 को तो बचाया जा सका, लेकिन 5 युवक की तलाश अभी भी जारी है। रात को ऑपरेशन रोकना पड़ा देरी की वजह से, लेकिन अब फिर से यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गंगा नदी में डूबने वालों की अगर बात करें तो 1 बिहार, मध्य प्रदेश और 3 यूपी के रहने वाले युवक हैं। सुमित विश्वकर्मा एमपी के सतना के रहने वाले हैं। विशाल नाम का शख्स बिहार के मुंगेर का रहने वाला है। महेश्वर वर्मा यूपी के मऊ के निवासी हैं। उत्कर्ष अभिषेक अग्रहरी सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। ये सभी दोस्त हैं, एक साथ गंगा नहाने के लिए निकले थे। गंगा में डूबने की खबर आती है, 8:30 बजे का वक्त होता है। स्थानीय लोग जल पुलिस की मदद से 4 लोगों को तो बचाया जा सका, लेकिन 5 युवक की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि पहचान है कौन है ये लोग, कहां से हैं, इन युवकों की जानकारी तो है, लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 5 युवकों को अभी भी ढूंढा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।